अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि एक सफर में जब इब्ने सयाद उनके साथ था, उसने कहा, अबू सईद, लोग मेरे बारे में जो बातें करते हैं उस पर मेरा दिल चाहता है कि किसी पेड़ से रस्सी लटकाकर खुद को फांसी दे लूं। हो सकता है कि दज्जाल के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म किसी और को ना हो, मगर तुम अनसार से छिपी नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसके कोई औलाद ना होगी, जबकि मैं औलाद वाला हूँ और मेरी औलाद मदीना में मौजूद है। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकेगा, जबकि मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। अबू सईद कहते हैं कि मैं उसे माजूर मानने ही वाला था कि वो फिर बोला, अल्लाह की कसम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ और इस वक्त वो कहाँ है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। अबू सईद कहते हैं, मैंने कहा, तुम्हारे लिए हलाकत और बर्बाद हो, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें फितने दज्जाल से महफूज रखे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए और हमें अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। आमीन।